ATR News, please like, share and subscribe this channel. ज्यादा से ज्यादा ATR News को subscribe करिए. Thank you. इनकलाब. बैठ जाओ. बहुत बहुत मेहरबानी. मैं मीडिया वाले वीरां नूं भी बेनती करता, थोड़ा जा ज्यादा कुर्सियां है बह जाओ, ताकि पिछले नज़र जड़े ने उन्हें आवे सब कुछ. सब तो पहला करतारपुर की इस धरती ते, इनकलाबी धरती ते, अज दूरों दूरों चल के पंजाब दे भले लई, पंजाब नू दोबारा रंगला पंजाब देखने लई उम्मीद की किरण लैके आए हुए सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावां भैणां, छोटे बच्चे, थोड़ा सारा का धन्यवाद. मेरी फतेह प्रवान करो. वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह. स्टेज ते शोभित ने साड़ी पार्टी दे MLA साहबान, साडे हुशियारपुर तो जिम्पा साहब जिहड़े मंत्री ने, माल मंत्री ने, साडे शहर तो MLA, साडे नकोदर तो MLA, साडे तुहाडे अपने बहुत ही मेहनती जिन्हां नूं हल्के बारे पिंडां दा नहीं, गली गली दा भी नहीं, घर घर दा पता है. बलकार सिंह जी तुहाडे अपने MLA जिहड़े ने, ओह जिन्हां दे बहुत मेहनत कीती है इत्थे रैली रखण दी. और इन्हां ने कहा सी, मैनूं कहा सी कि मान साहब बस एक काम कर दिओ ते साडा जलंधर दा काम जिहड़ा है वह ठीक हो जूगा. रैली जदों शुरू करोंगे, रैलियां दा काम जलंधर दे विचों करतारपुर तो शुरू कर दिओ. मैं कहा ठीक है जी, इत्थों ही शुरू करांगे जी. और सब तो वध खुशी की गल यह कि अज साडे दरम्यान एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बैकग्राउंड जिन्होंने दादियां तो वो राजनीति दे विच ते समाजिक सेवा दे विच लगे हुए और साडे लई एक्सपीरियंस ने, साडे तो बड़े ने, बड़े भरा सुरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी मैनु अज ये गल कही है कि मान साहब मैं वलंटियर बन के आ रहा, मेरा नाम पहला ना बोलियो, मेरे तो जो तुम शामिल करवाना है उदों शामिल करा रहो, मेरी वलंटियर की लिस्ट च मेरा नाम लिख लो. एक बार जोरदार ताड़ियाँ उन्होंने ना दे. वो कहते जी मैं ता सेवा करनी है, जिथे मर्जी ड्यूटी ला दो. असी कहा जी थोड़े तजर्बे की लोड़ पेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी करोड़ों लोगों की पार्टी है. असी दरवाजे बंद नहीं करते भी बस होर नहीं, ना हजे करोड़ों बंदिया ने होर आना है. इस पार्टी ने पूरे मुल्क दे विच फैलना है. हजे तो सिर्फ दो राज्यां दे विच जिहड़ी है सरकार है, गुजरात दे विच 5 MLA ने, गोवा च 2 MLA ने, 10 राज्यसभा दे मैंबर ने. हजे तो 130 करोड़ लोगों दे विच जाना है, क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है. यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है. सो वीरो, अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च ये पार्टी जिहड़ी है ये हरेक नूं मौका देगी. कई बार टाइम लग जाता है, कई बार वक्त थोड़ा जा लेट हो जाता है, पर मैं तुहानूं मेरे वलंटियर वीर बैठे ने भौकड़ कहना जिन्हां नूं मैं तुहानूं ये यकीन दवाउना कि तुहाडा जिहड़ा पेट्रोल का एक एक तुपका तुसीं पल्लों पवा के जिहड़े मेरे रैलियां ते मेरे रोड शोआं दे मूहरे गड्डियां मोटरसाइकिल लैके जाते सी, उहदा एक एक तुपके का मुल मुड़ूगा. तुसीं थोड़ा जिहा मैनूं टाइम दे दिओ, बस थोड़ा जिहा, क्योंकि आम घर चो उठा के असी मुंडे कुड़ियां MLA बनाए, तुसी बनाए, असी तो खड़े किए उन्होंने टिकटा दित्तियां, ते तुहाडे चो होर बहुत सारे चेयरमैन, तुहाडे च होर बहुत सारे कमिश्नर दे मैंबर, तुहाडे च होर बहुत सारे बड़े बड़े रोजगार जिन्हां नूं मिलणगे वो तुहाडे च बैठे ने. मैं ब्यौंता बनाई जाना, तवीत बनाई जाना, बस डौले दे दिओ, तवीत डौलियां ते बनने ने, ते आपां पंजाब नूं दुबारे रंगला बनाउणा ही बनाउणा है बस. सो
अज साडे दरम्यान चुनौतियां बेरोजगारी ते आ तुसीं देख लो, तुसीं मेरे मेरे बजुर्ग बैठे ने, मेरे पिता जी की उम्र दे, मेरे दादा जी की उम्र दे, कदे पहला कोई यह जी सरकार देखी है जिहड़ी एक साल दे विच 28,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ी होवे। आ खड़े हैं जी थोड़े सामने 28,042 नौकरियां मेरे ऐ नौहां ते पईआं ने जी, कच्चिआं नूं पक्के कच्चे मुलाजम। यह कच्चा लफज जिहड़ा है यह मुलाजमां दे मूहरे मैं रहण नहीं देना। सानू कई बार हाई कोर्ट दियां जां होर किसी कोर्ट दियां थोड़ी जिहियां दिक्कतां दा सामना करना पैंदा, वह रस्ते क्लीयर कर लिए। जिन्हें भी कच्चे मुलाजम ने कॉन्ट्रैक्ट वाले ने असीं उन्होंने पक्के करांगे, साडा काम है ये, साडा काम है। असी सारा कुछ देख रहे हैं कि किमें काम होगा। बिजली पिछली बार जो 16 मार्च को सरकार बनी, पिछली बार तुम झोना लाया 8 घंटे वाली बिजली चो कोई कट लग्या नहीं लग्या, तो झोना आया मंडी च 24 घंटे तो बाद टाइम लग्या मंडी च, आही मंडी च ही खड़े हाँ नहीं लग्या, पैसे भी नाल दी नाल मिल गए। तो उस तो बाद आपां क्या सी गरंटियां दिंदे सी अरविंद केजरीवाल जी नाल आए सी जदों कि थोड़े घर की बिजली मुफ्त कर देंगे, जीरो बिल आया करूँ, तो की कहिंदे सी कांग्रेस ते अकाली वाले पैसे कित्थों आउणगे? असी उन्होंने दस्या नहीं जान के, क्योंकि सानूं पता सी पैसे इन्हां च ही पए ने, इन्हां च ही कढ़ांगे। सो उन्हां चों पैसे कढ़े है ते 80% घरां नूं बिजली दा बिल जीरो आउंदा है, आउंदा ना बस। फिर तो बिजली बोर्ड का यह भी नहीं है, बिजली बोर्ड में असी घाटे छड के ते कोई इहो जिहा काम कर दिए। बिजली बोर्ड का 20,200 करोड़ रुपया जिन्ना भी सबसिडी का एक साल का देना सी, पहली बार होया पंजाब के इतिहास च, असी पैसे सारे देते भाजी। वो इस बार कट की गलता छड्डो, बल्लभ ने चमक्का भी नहीं मारना, चमक्का लै करो सुखबीर बादल पुछ के देखो चमक्का की हुंदा, पता ही नहीं उन्हों, पता ही नहीं उन्होंने, उन्होंने पता ही नहीं, कदे रहे होण लोगों का पता लग गए। सो वीरो ये रोज मेरे बारे बोलते हैं, रोज मैनू गालां कढ़दे हैं विरोधी पार्टी वाले, मैनू उहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, मैनू उहदे नाल कोई जिन्ना चिर तुसीं मेरे नाल हो मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। वीरो ये मैनू गालां कढ़ के इन्हां नूं यह नहीं हैगा कि आम आदमी पार्टी क्यों बन गई जां साडी वारी नहीं आई असीं हार गए, इन्हां नूं दुख इस गल दा है कि आम घरां दे मुंडे साडे वालियां कुर्सियां ते क्यों बह गए, बस आम घरां दे धीआं पुत्त नहीं जर सकदे, आही पंगा बस। हारे होए भी बोली जांदे आ भी तुसीं भरावो हार गए, हजे तक साल हो गया इन्हां नूं सुरत नहीं आई भी की हो गया रिजल्ट, कईआं नूं तां हजे रिजल्ट दस्से भी नहीं होणे घरदिआं ने कि कितें दिल नूं ना ला जाए, है ना। सो आ हाल है बई, आ एक बड़ा झंडा जिहड़ा ना आ जिहड़ा झंडा बई जी, हाँ हाँ थोड़ा तो हाँ वह पिछे दिखता नहीं, हाँ। सो वीर थोड़े नाल थोड़े वर्गे एक साल च बिजली फ्री की 28,000 नौकरियां दित्तियां, 504 महला क्लीनिक चल पे जिन्हां दे विच 21,21,350 बंदे 31 मार्च 2023 तक दवाई लैके ठीक होके घरें जा चुके ने। 21,21,000 इहदा मतलब 21 लाख बंदा सरकारी हस्पतालां दी लाइन च लग्गिया नहीं, तो उत्थे भी नहीं भीड़ हुई, उत्थे वाले डाक्टरां ने भी जिहड़े उत्थे पहुंचे उन्हां दा इलाज सही किया, तो इधर भी उन्हां दा मुफ्त दे विच सर गया। ये होंदे ने काम जे करने होण, जे नीतां सच्चियां होण। फिर उस तो बाद हुण परमात्मा की मार है, कुदरत की मार है, गड़े पै गए, मीह नाल फसल खराब हो गई, बेमौसमी बरसात पै गई, दाने जमा पक्के हुए सी, मैं देख के आया खेतों च। वीरो 26-27 मार्च की गल है, ये मैं उत्थे गया सी खेतों च मालवे के पिंडां च, पर नुकसान सारे पंजाब च है। मैं उत्थे अनाउंस किया सी कि मलम उदों ही चंगी लगती है जदों जख्म होवे, जदों जख्म ची कीड़े पै जाण उस तो बाद की पट्टियां करोंगे। 20 दिनां दे विच विच मैं कहा सी
15,000 रुपया किले का, जिहदी सारी फसल खराब होगी, 15,000 रुपया किले हिसाब नाल 20 दिनां च जिहड़े पैसे मिलणगे। 13 अप्रैल नूं अबोर दे नेड़े किसे पिंड दे विच रख्या प्रोग्राम, 13 अप्रैल नूं 15,000 रुपया चैक मैं आप फड़ा के आऊँगा भाजी। सारे पंजाब दे लोकां दे पैसे, थोड़े भी बहुत सारे ने, थोड़े खात्यां च पैसे आउण लग जाणगे 13 अप्रैल तों। इह पहली वार होया है, पैसे अगे चल रहे ने, गुरदौरियां पिछे चल रही ने। असी क्या गुरदौरी बाद च दस दिओ, पहिलां पैसे दे लईए, क्योंकि सानू पता नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। सो असी पहली बार 12 तों 15 कीता, ते जिहड़ा 33% तों 75% है उहदा 5400 तों 6800 कीता। और नाल सब तो वड्डी गल इह है, घर जे ढह गया, किसी का कच्चा कोठा ढह गया, कोई माड़ा घर सीगा, इट्टां जिहड़ियां पुराणा सी उह ढह गया, 1,20,000 रुपया एक घर की छत पाउण दा वीरो। ते नाले जिहड़ा भी सब्जियां दा, दालां दा, जां किहड़ी भी फसल बीजी हुई सी नुकसान होया, असीं स्पैशल गुरदौरी इसे करके करवाई है कि कोई कल्ली खास फसल का नहीं, असी हरेक चीज़ का जो नुकसान हो गया। सरकारां कोले वीरो इन्हां कम्मां वास्ते बथेरे पैसे हुंदे ने, कोई खजाने च घाट नहीं हैगी, बस यही है नीत की घाट हुंदी है इन्हां दी। साडी नीत साफ है, असी तुहानूं पैसे तुहाडे कोले पहुँच जाणगे 13 अप्रैल तों बाद पहुँचण लग जाणगे। पहली बार होया कि वह फसल जिहड़ी फसल ते तुहानूं पैसे देवांगे वह फसल भी हजे खेतां च ही है ते पैसे पहलां मिल गए। बई मल्लम तां उदों चंगी लगदी है ना जो जख्म होवे। सो इस करके ये कुदरती मार है, कोई ना किसान दे कोई वस च है ना साढ़े वस च है, पर यहोजे कम्मां च सरकार नूं अगे आना चाहिए है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हां दा हैल्प करा। फिर उस तो बाद कई गरंटियां तो असीं इहोजीआं पूरी करतियां जिहड़ियां कईआं भी नहीं सी। MLA लैंदे सी पैनशन 6-6, 7-7 पैनशन। असीं कहा गल सुन लो, जो वोटा मंगन जाने हो तो ऐ कहने हो राज नहीं सेवा, तो सेवा की पेंशन लेने हो, कोई पेंशन नहीं मिलेगी, एक पेंशन लेनी है, लो नहीं ये तो भी जाओगे, एक पेंशन जो रहूगी होर कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इन्ने करोड़ रुपया जोड़ा बचेगा उ मैं किसी बेरोजगार को रोजगार देकर वो तनखा देगा वीरो, वो मुंडिया की तनखा देवे उन्होंने। आ होंगे जी काम बड़ा पिटे ये ना जी पेंशन ना ए ना करो। मैं क्यों ना करो की गल जी, तो तुम सरकारी जिहड़ियां गड्डियां सरकारी तुसी बिजलियां वरतते रहे हो वह भी तो पेंशन भी इन एक दो तीन जिनी बारी MLA रह ले उन्नी बारी पेंशन। सो वीरो बदनाम करने की कोशिश करते आम आदमी पार्टियां, सरकार नहीं चलाउणी आउंदी जी, आ नहीं आउंदा जी। एक मैनू कहिंदा कहिंदा जी तजर्बे की घाट है। मैं क्या लोग दुखी हुए तजर्बेकारां तों ने, जिहड़े तुसी तजर्बे कर गए साडे ते भाजी। 9063 एकड़ जंगलात महकमा ते पंचायत दी 9063 एकड़ जमीन अपने छड़ा ली नजायज कब्जे चो, जिहड़े बड़े बड़े दब्बी बैठे सी, बड़े बड़े दब्बी। हजे आने वाले दिनों देखियो बुलडोजर किधर किधर नूं जाऊगा। जदों पहाड़ां वल नूं मूंह कीता ना उदों तुहानूं सुकून मिलू, देखियो सही। तुसीं असी बनाई जाने कागज सारे तैयार ने, जो लोगों के पैसे नूं लुट के इन्होंने प्रॉपर्टियां बनाईयां ने, सारिया प्रॉपर्टिया का हिसाब होगा तो पैसा कला कला खजाने जाऊगा। खजाने चो थोड़े जवाकों की पढ़ाई वास्ते, थोड़े बजुर्गों की दवाई वास्ते, थोड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़े सड़क मंडिया वास्ते थोड़े को ही आऊगा, वो पैसा थोड़े को ही आऊगा। असी कोई पल्यों नहीं पाते, कोई सान नहीं करते कह के, ये साडा फर्ज बनता। पहलां वालियां सरकारां ने किया नहीं, पहलां वालियां सरकारां ने किया नहीं, की करते रहे इधरों खा लो इधर, मेरे कोले फाइलां आउंदियां रोज, कल्ले खाण दियां फाइलां ने बस, इधरों खा लो इधरों खा लो, लोगों नूं लुट लुट खाई गए ने। आ हुण मैं परसों नूं जाऊं, एक दी परसों नूं वारी है, 8 पहलां कर चुके हां। टोल प्लाजा परसों नूं इक होर बंद होना उधर पटियाले कनी, 9वां हो जूगा जी। ये टोल प्लाजे पहला भी बंद हो सकते सी, पर बिच हिस्सा सी वीरो, वो कहंदे सी साडा 500 दिन वधा दिओ जी, टोल प्लाजे वाले कहंदे सी, ये साइन करके कहंदे सी 600 दिन ले लो जी, 300 दिन साडा, 300 थोड़ा, तो साडे वाले 300 दा एडवांस दे जो,
सारे पैसे पहले ही दे जो। लोगों को पता लगता है भी कि तरीक तक है टोल प्लाजा, ये टोल प्लाजे ये लुटते हैं, ये हटने चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? हर रोज किन्ने रुपये जांदियां दे किन्ने रुपये आउंदियां दे लगते सी, नौवां टोल प्लाजा बंद होगा। रेता एक ऐसी रेते चो आए नहीं होना, आए नहीं होना, 5.5 रुपये पर फुट वालियां 50 तो वध खड्डा चलातियां, 34 होर तैयार ने, अगले हफ्ते च वो भी चला देंगे। रेत अपनी ट्राली लै जाओ नाल, जे बंदे है ने 4 बंदे ले लो, नहीं उत्थों भी मिल जाएंगे। 5.5 रुपये फुट के हिसाब से ट्राली भर लियो। ये पहला पहला भी चल सकदियां सी, पर पहला ये रले हुए सी, ये रले हुए सी, ये मिलके खांदे सी। हुण इन्हां कोले कोई मुद्दा ही नहीं रहा, की कहणगे जी? हुण 1 साल हो गया, कोई 1 रुपये का भी इल्जाम लग्या होवे सरकार ते किसी मंत्री ते, 1 साल हो गया आ खड़ा थोड़े सामने, साल दे विच मैं भी चाहुंदा तां 1000 करोड़ बन जांदे, पर नहीं। मैं तुहानू कहना, मैं सरकार दे 1 पैसे नूं थोड़ा पैसा समझदा, मैं कहना कि इहनूं 1 आया लोकां वल्लों टैक्स दा, इहनूं इहनूं 1.5 पैसा बना के भेजांगे वापस इहनां कोले। स्कूल शानदार बनणगे, साडे जवाक पढ़ के डीसी लगणगे, जज बनणगे। पंजाब दे विच 8 तो 10 UPSC कोचिंग सेंटर खोलन जा रहे हैं, साडे जवाकां नूं असीं IAS IPS की पढ़ाई मुफ्त करावांगे, साडे बच्चे अफसर बन, SSP बन, DC लगन साडे बच्चे। आ हुण जो नौकरियां मिलन लग गईयां, बहुत सारे बच्चों के मैनूं फोन आए ने, उन्हां दे मापियां दे फोन आए ने, कहिंदे जी पैसे इकट्ठे करी जांदे सी, 20 लाख तां हो गया सी, 10-11 होर लगना सी, इन्ने नूं जवाक नूं नौकरी मिल गई जी, असीं तां फिर हुण जांदे नहीं जी। जवाक कहिंदा मैं नहीं जांदा, मैं तां इत्थे ही रहूंगा। 20 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया सी बंदे ने, 10-11 होर करी जांदा सी, कनेडा भेजना सी 30 लाख रुपया, 31 लाख रुपया ला के जवाक, पर उन्हें पेपर दिते हुए सी, उस दा नाम आ गया, पेपर दिते हुए उहदा नाम आ गया। कोई सिफारिश नहीं चलती वीरो, कोई पैसा नहीं किसे नूं देना पैंदा। मैं एक दिन 642 नौकरियां दे नियुक्ति पत्र वंडने सी, तां मैनूं 2 दिन पहला मेरे एक MLA दा फोन आ गया, वह मैनूं कहिंदा जी अपना जमा ही मुंडा खास है जी। मैं क्या अच्छा, परसों तुसीं जिहड़े नियुक्ति पत्र वंडन लगे हो 642, मैं क्या हाँ, उन्हां च आया नहीं, कहिंदा 3 नंबरां ते रह गया जी। मैं क्या अच्छा, बंदा जमा ही अपना है जी, कहिंदा। मैं क्या अच्छा की करिए, कहिंदा जी फिर उन्हूं पाओ विच उहदे। मैं क्या यार पोस्टा तां 642 ने, 643 मैं किवें पा सकदे विच, कहिंदा जी जमा ही अपना है जी। मैं करिए की, कहिंदा किसे एक नूं कढ दो। मैं उन्हूं कहा MLA साहब दोबारा जिंदगी च मैनूं ये गल ना कहो, पर पहला मेरे एक सवाल का जवाब भी दे जो कि तुहाडा अपना है, वह जमा ही अपना है, उन्हूं असी नौकरी दे दीए तो जिन्हों कढ़ांगे वो किहदा फिर, वो भी तो अपना ही है यार, वह भी किसी मां का पुत है, वह भी किसी भैन का भाई है यार। उन्हूं भी परसों नूं मैं क्या, उन्हूं भी परसों नूं उहदी मां खंड वाला दही मूँह च पा के शगन करके भेजूगी, जा पुत नौकरी लैके आ, भैन का विआह करांगे। मैं क्या जिहड़ा अपना है ना जमी खास, उन्हूं कह दे तैयारी कर ला, अगले साल 7 नंबर वध लेके आ जी, अगले साल लग जी नौकरी ते, पर मैं किसी की हक नहीं मारना, मैं किसी का हक नहीं मारना। सो इस करके मैं मुंडिया नूं कहना, नौजवानों नूं पहला भी ये करते होंगे सी, पर पहला इन्हां नूं पता नहीं सी, वो प्लैनिंग करते नहीं सी वीरो। हरेक साल पुलिस दे विच पंजाब पुलिस खड़ी, अपनी अपनी धियां पुत ने, अपनी पुत भतीजे ने, यह पंजाब पुलिस च हरेक साल 2100 तो 2200 बंदे की लोड़ पैंदी है, 1800 कांस्टेबल ते बाकी सब इंस्पैक्टर ते हैड कांस्टेबल हर साल भर्ती होंदी है, रिटायर हो जांदे ने इन्ने क वीरो। पहला किवें करदे सी, 2 महीने पहला दसदे सी भी असी 2 महीने बाद पुलिस की भर्ती करांगे। वह नौजवान मुंडे कहिंदे सी वह यार पहला दस देंदे यार, थोड़ा जिहा तैयारी कर लैंदे शरीर की, असी भाई 4 साल का पहले ही दसता। जनवरी दे विच नोटिफिकेशन होया करूगा, मई जून दे विच लिखती पेपर होगा,
जुलाई अगस्त के रिजल्ट आ जाऊगा, अक्तूबर के फिजिकल टेस्ट होगा, नवंबर के रिजल्ट आ जाऊगा, नवा साल थोड़ा नौकरी नाल चढ़ूगा, दिसंबर च नौकरियां मिल जाएगी सारियां। इस करके हुणे ग्राउंडां जाना शुरू कर दो, हुणे शरीर बनाउणा शुरू कर दो, इहदे नाल नशियां तों भी बचोगे, इहदे नाल घर भी जिहड़ा उत्थे खुशियां खेड़े आउणगियां, शरीर नाल प्यार होगा। ये प्लैनिंगां बनाउणे आ सी, इहनूं प्लैनिंगां कहदे आ कि किवें आपां अपने यूथ नूं कम लाइए, क्योंकि वेला मन शैतानी दा घर, जदों वेले बहिंदे ना उदों बुरी संगत च फसण दे ज्यादा चांस रहिंदे। आ हुण जिहड़ा फैसला कीता है मुल्क दे विच किसे सूबे च नहीं होया, पंजाब दे विच फैसला होया जिद्दें दा मैं अनाउंस कीता है, हजे लागू भी नहीं होया, 2 मई तो होगा। मैनू पूरे मुल्क चो बहुत मुख्यमंत्रियों के फोन आए ने, जी सानू दस्यो फिर ये किवें रहा, असीं भी करना है कि गर्मी पऊगी, सरकारी दफ्तर सवेरे 7:30 बजे तो लैके दोपहर के 2 बजे तक चलणगे, ठंडे ठंडे नाले तुसीं वेले, नाले ठंडे ठंडे मुलाजम वेले, ते नाले बिजली बचूगी जी, 2 बजे तो बाद दफ्तर बंद हो जाणगे, क्योंकि जिहड़े काम जे करने होण उह तां 2 बजे तो पहला पहला हो जाते ने। इस करके ये बिजली भी बचूगी, जवाकों नाल भी उन्हां दा टाइम वध लगेगा, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे आउंदे आ स्कूलां चों, 2:30 बजे मापे आ जाणगे दफ्तरां चों, ते वध टाइम बच्चों नाल बिताउणगे। सो इस करके ये आइडिए जिहड़े ने ये तां आउंदे ने जे तुसीं साथ दिंदे हो। ओ मैं इत्थे जलंधर आया थोड़े दिन पहला, मिल्क प्लांट का उद्घाटन किया, बटन दब के वह ऐ खुल गया कार्टन जा, फिर कहिंदे जी इत्थे खड़े खड़े आपां बस्ती दानशमंदा वाले स्कूल का भी उद्घाटन करना है, आ बटन दब दो जी। मैं वह बटन दबता, स्कूल का खुल गया, उत्थे साडे MLA साहब खड़े सी। फिर कहिंदे जी सीवरेज का भी आपां कीता काम, उहदा भी इत्थों ही बटन दब दिओ जी, उत्थे दूजे MLA साहब खड़े है, मैं वह बटन दबता, 4 बटन दबते मैं। फिर मैं बोलते ने कहा, मैं कहा मैं 4 बटन क्यों दबे दबण दे काबिल होया, क्योंकि तुसीं पिछले साल 1 बटन दबिया सी झाड़ू वाला, तुसीं 1 बटन दबिया सी, मैं रोज़ 4 दबदा हूँ विकास वाले, रोज़ 4 विकास वाले बटन दबदा मैं, तुसीं ने मैनू उस बटन नू दबण दे काबिल बनाया, तुसीं इस करके आना इन्हों तो कोई उम्मीद ना रखियो, पहला चैक कर चुके इन्हों नू, ओ सुखबीर बादल वह तो बेचारा चलो छोड़ो की वो चलो जहा जहा है चलो जिन्ना क हैगा तुरै फिर किसी रोड़ा रूड़ा नहीं मारता चलो है ना तुरै फिर है ना वो पता ही नहीं की कहता कहता कल भी गल दसी भी विरोध करी जाता सगा जोड़ा टाइम बदलिया कहता यदा मतलब साढ़े घर हूँ लेडीज जड़िया ने जनानिया 2:30 बजे उठा कर जिन्हों 2:30 तो 2:30 का नहीं पता वो की चला लूगा पंजाब नू यार दसो 2:30 बजे दसो ये ने जी वो उन्हों तो कोई उम्मीद ना करो वो कांग्रसी ने उन्हों का ऊ नहीं पता भी किन्ने धड़े ने कई कांग्रसी तो यह जे ने जड़े मतलब बस कल यही देखना भी वह किधर जाता है वह क्यों जाता है इनू किमें हराइए इनू किमें सीटी इन्होंने कामों पर लगे है। सो मैं मेरे बारे बोली जान जिन्ना बोली जाते हैं ये तो कहें पहला देखो किमें बदले ने पहला कहें नो 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 आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती जदों रिजल्ट जे आने लगे 60-65 ही आनगियां ज्यादा नहीं आदि इन्हों जो 92 आ गई आ तो गई 3 महीने चलनी नहीं इन्हों तो जो 3 महीने चल भी बिजली नहीं फ्री कर सकते जो बिजली फ्री करती नौकरियां कितों देंगे जो नौकरियां देन लग गए हुण तो सीधे ही रौले ते आ गए मैं नहीं मैं क्यों चलाई जाते हैं हर गल करी जाते हैं बस आ फर्क है इन्हों की करिए रोज़ मेरे को वीडियो आउंदियां ने कदे कोई रोई जांदा हुंदा कदे कोई ठीक है ना। सो इन्होंने सोचा सी कि पता नहीं साडा ही राज चलूगा पर लोग ने बई लोगों ने बड़े बड़े घराने वेले करते घराने जिहड़े जिंदगी च कहिंदे सी हारना नहीं सानू हरा नहीं सकदा कोई ओ बैठे ने। सो वाहिया जी कमाल करती लोगों ने ये लोगों की शक्ति है बैठ जाओ आ कोई नहीं कोई नहीं सोलो बहुत अच्छे बहुत ताड़िया मार दो ताड़िया मार दो ये तो हम आ जी पड़ास है ये पड़ास तो झाड़ू वाला बटन दब के निकलू हूँ बस। सो छेती तो छेती
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ MLA ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਲੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੇਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ 19 'ਚ, ਲੈ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਗਾਹ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾ ਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਤੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਉਸੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰਿੰਕੂ ਬੈਠੇ, ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ MP ਕੀ ਹੁੰਦਾ, MP ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MP ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MP ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਆਓ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਚਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੋ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪਾਲ ਲਏ ਲੀਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਉਹਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ, ਐਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਬਸ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਉਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਕੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਛਿਪਕਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖੀ, ਲਾਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਚੂਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਕੋੜ ਕਿਣਲੀ ਨੂੰ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੂਹੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਫੜ ਲਈ ਜੀ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਤੇ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਲਹਾਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆ ਬਸ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ ਬਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ
इस बार 10 मई नू तैयार रहो, झाड़ू वाला चोन निशान है ते झाड़ू का काम हैगा सफाई करनी, ते सफाई पहला भी तुसी कीती है, एक बारी दोनों हाथ खड़े करके दो नारे ला के मैनू यह यकीन दवा दो, मैं जो घरें जाऊंगा तो मैं लगे कि अज मैं पहली रैली कर करतारपुर करके आया, तो ठंडी हवा के बोले जलंधर आले पास आ रहे ने इनकलाब, थोड़ा जा होर चक दो जलंधर शहर तक तो पहुंचे ना तक इनकलाब, बोले सोनिया। बाकी ग्रांटां की गल, स्टेडियम की गल, क्लबां की गल, लाइटां की गल, सीवरेजां की गल, बिजली की गल, सड़कां की गल, जिन्नियां मर्जी थोड़ी अपनी सरकार है, चाबियां थोड़े कोले ने, क्योंकि इलेक्शन कोड लग्या मैं अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, पर मैं इन्ना थानू यकीन दवाना कि किसी पिंड चो कोई लांबा नहीं आऊगा, और जिथे लाइन च खड़ के जिन्हें वोटां पाईया ने उदों मैं यह कहाना है, 5 साल च कई बार कहाना है कि वोट पाउण दा नज़ारा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, जिउंदे वसदे रहो। और फिर दोबारा मैं साडे मानयोग चौधरी साहब का, मैं साडे परिवार के सुरेंद्र चौधरी जी का स्वागत करदा, और एक मीडिया के नाल फोटो भी मैं चाहूँगा कर ली बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिउंदे वसदे रहो। एक मिनट लई बलकार सिंह जी धन्यवाद कर देंगे, बलकार सिंह जी धन्यवाद। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े हरमन प्यारे मुख्यमंत्री साहब और जिन्ने भी साड़ी संगत आई है आम आदमी पार्टी की वक् वक् जगह तो पिंडा तो कस्बे तो, उन्हों का बहुत धन्यवाद, और MLA साहबान जिन्हें साढ़े आए संगठन के साथी आए उन्होंने सारिया का बहुत धन्यवाद। और चढ़ती कला दे रहना, एक बार जान लगे बाहव खड़िया करके दसना भी CM साहब दे आप सारे नाल है, बोले